सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रख्या वेंदा आहिन। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हां जो जीवन साथी तव्हां जो इंतज़ार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ग्रंथों के अंदर कहा गया है कि सबसे बड़ा नाम जो है राम का नाम है। गुरु नानक देव महाराज जी ने भी अपने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो सुख कहो चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुनरे मना दुर्लभ मानुख दे। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ये अत्यंत ही दुर्लभ जून हमें मिली है। इस जन्म के अंदर अगर हमने प्रभु का नाम नहीं लिया तो हम सुखी नहीं रह सकते। अगर संसार के सारे सुखों को आपको ग्रहण करना है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, तो राम की शरण में चलना है। आज
बड़े ही उत्साह और खुशी का दिन है। प्रभु राम लला का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में शुरू है। हमने कई आंदोलन किए कि राम लला का मंदिर बने। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे प्रभु आज तंबू से निकल करके अपने महल में पधारेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज संपूर्ण भारत के अंदर बच्चा बच्चा राम राम का नाम ले रहा है। हरेक के हृदय में, हरेक के जीवा पर राम नाम का उच्चारण है। और ऐसे सुंदर मौके पर पौषेपाड़ा ग्रामस्थ मंडल ने राम कथा कर करके आज पूरे वातावरण को राममय कर दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे आमदार कुमार आइलानी जी भी सुबह से कई कार्यक्रमों में उपस्थित हुए हैं, कई स्थानों पर आरती की है। आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उल्लास नगर गोल मैदान पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रतिकृति जो अयोध्या में राम मंदिर है वैसी ही प्रतिकृति तैयार की गई है। वहां पर भी पूजा का कार्यक्रम अभी चालू है। 11 दिन तक वहां पर दर्शन होगा, शाम को 5 बजे से रात को 12 बजे तक। मैं कहूंगा आप सभी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर भगवान श्री राम का दर्शन करने वहां पर भी आए। और आज रात को अपने घरों के बाहर राम ज्योति अवश्य जलाएं और आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर के माथा टेकें। वैसे तो यह स्थान जो है हमारे संत महात्मा रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही है। मैं आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर जो हमारे गायक कलाकार हैं इतना सुंदर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।